भोपाल में कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ढोल मंजीरा बजाकर बढ़ती महंगाई का विरोध जताया। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांतिलाल भूरिया सहित तमाम नेता शामिल हुए। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक यूपी चुनाव नहीं हुए थे तब तक पेट्रोल डीजल और गैस के दाम स्थिर थे। चुनाव के तुरंत बाद कीमतें बढ़ा दी गई तो वहीं सिंधिया को बीजेपी का सीएम चेहरा बनाए जाने और सीएम शिवराज के बुलडोजर मामा बन जाने के सवाल पर भी कमलनाथ ने कटाक्ष किया है। ये आज सब जनता के सामने है। पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव जब बढ़ता है इससे हर वर्ग प्रभावित होता है। हमारी सब्जी का भाव बढ़ रहा है क्योंकि उसको ढोने का पैसा ज्यादा है। सब्जी का भाव का फायदा, बढ़ता हुआ भाव का फायदा किसान को नहीं जा रहा। ये डीजल, महंगी डीजल और पेट्रोल का भाव जो बढ़ा है, आज हर वस्तु डीजल और पेट्रोल और ये सिलेंडर, हमारी माताओं और बहनों को जो चूल्हा चलाना है घर में, सब परेशान। जिले जिले में हम आंदोलन करेंगे और मोदी जी जितनी उनकी दाढ़ी बढ़ती है उतना पेट्रोल का भाव बढ़ता है, डीजल का भाव बढ़ता है और उतनी महंगाई बढ़ती है। तो मैं तो मोदी जी से कहूंगा अपनी थोड़ी दाढ़ी बढ़ाना बंद कर दीजिए ताकि फिर से हमारे जनता, आम जनता जी सके। प्रदेश और देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का जो है प्रदर्शन आज से जारी है। भारत मुक्त महंगाई को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। ढोल मंजीरों के जरिए जो है कांग्रेस जो है महंगाई को लेकर विरोध कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा है। सर, लगातार महंगाई जो है प्रदेश और देश भर में बढ़ती जा रही है, कांग्रेस ने आज इसके लिए प्रदर्शन शुरू किया। देखिए, ये सामने ही मुख्यमंत्री निवास है, ये खूब इन्होंने थालियां बजाई, खूब प्रदर्शन किए जब मनमोहन जी की सरकार थी। लेकिन उस समय सस्ता था डीजल, पेट्रोल, रसोई, और जब चुनाव आते हैं उसके पहले कम कर देते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है बढ़ा देते हैं। 10 दिन से रोज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के भाव 80 पैसे बढ़ रहे हैं। सातवें आसमान पे हो गई है महंगाई, लेकिन ये केवल घोषणाएं कर रहे हैं और कुछ नहीं। आज इसीलिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये हमारा प्रदर्शन है, जान बजे और ढोलक बजा के कि इनको सुनाई दे जाए। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चुनाव के बाद से लगातार उधर जारी है। चुनाव के पहले कम करना और चुनाव के बाद लगातार बढ़ना, ये लोगों की जेबों पे डाका डालना है। गरीबों के लिए सरकार ये करेगी, योजनाएं हम चला रहे लेकिन महंगाई उससे शर्म पर है। योजना क्या करेगी, अरे योजना में पैसा भी नहीं आ रहा है और महंगाई अलग बढ़ रही है, भूखे मर रहे हैं लोग। ये पीसी शर्मा है, पूर्व मंत्री है, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं और कांग्रेस इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन आज से कर रही है। प्रदेश भर के मुख्यालयों में भी इसी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरामैन हरिओम के साथ विवेक पांडे, NIT भोपाल।